Robert lives in New York. He is going to a vacation to his grandfather's place in Canada. Which of the following means of transport he should use to reach there in the least amount of time? Robert New York में रहता है और vacation में grandfather's के पास जाना चाहता है जो Canada में रहते हैं. तो इन चारों transport में से वो कौन से transport को use करेगा कि कम समय में पहुंच जाएगा? हमें यहाँ पर बताना है कि लिस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, कम समय में कौन सा ट्रांसपोर्ट उसको कनाडा पहुंचा देगा न्यूयॉर्क से. ए ट्रेन, बी प्लेन, सी कार, डी सी. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्लेन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द सिमिलरिटी बिटवीन देम. Both are herbs. B. Both are herbs. C. Both are climbers. D. Both are creepers. Correct answer है option D. Both are creepers. Pumpkin and pineapple. Both are creepers. This is pumpkin and this is pineapple. चलिए next question. Which of the Following means of communication will you use to wish your friend good luck for her exam who lives in another city? आप अपने फ्रेंड को एग्जाम के लिए गुड लक विश करना चाहते हैं जो कि दूसरे सिटी में रहता है, तो इनमें से कौन से ऑप्शंस के द्वारा आप उसे गुड लक कह सकते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोबाइल. Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Parsala by Neetu Nigam. आज मैं आपके लिए साइंस ओलंपियाड क्लास सेकेंड से एमसीक्यू लेकर आई हूँ, कृष्ट साइंस ओलंपियाड, जिसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे, जिससे कि आपको आइडिया आ जाए कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पूछे जाते हैं. 1 आवर्स का टाइमिंग रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स 45 रहेंगे. 35 क्वेश्चंस रहते हैं बुकलेट में, दो सेक्शन इसमें रहता है, पहला है प्रैक्टिकल साइंस और दूसरा है अचीवर सेक्शन. 25 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल साइंस से रहते हैं एंड 10 क्वेश्चन अचीवर सेक्शन से रहते हैं. 25 क्वेश्चन पर क्वेश्चन 1 मार्क्स एंड अचीवर सेक्शन पर क्वेश्चन 2 मार्क्स रहते हैं. चलिए आगे हम देखते हैं. यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, कैंडिडेट नेम, क्लास, सेक्शन एंड क्रिस्ट आईडी फॉर्म भरने समय जो आपको दिया जाता है. तो चलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व करते जाते हैं. प्लांट गिव अस फूड ग्रेन, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ सच ग्रेन? ए व्हीट एंड राइस, बी मेज एंड बार्ली, सी ग्राम एंड पल्सेस, डी ऑल ऑफ दीज. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. वैसे साइंस ओलंपियाड में सेकंड क्लास के हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं. वैसे कोई भी ओलंपियाड से अगर आप अपने बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं तो इसको एक बार अवश्य सॉल्व करवा के देखें कि बच्चों की तैयारी कितनी है. ऑलमोस्ट सभी ओलंपियाड में सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज रहता है, ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2. वन डे जैस्पर मदर वाज कुकिंग फीस करी इन द किचन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस विल हेल्प टू हर जज वेदर द फीस करी वाज स्पाइसी और नॉट. एक दिन जैस्पर की मदर फीस करी बना रही है किचन में, और कौन से सेंस ऑर्गन है जिससे वह डिसाइड कर सके कि करी जो है स्पाइसी है या नॉट? ए सेंस ऑफ साइट एंड टच, बी सेंस ऑफ साइट, सी सेंस ऑफ टेस्ट एंड डी सेंस ऑफ हियरिंग एंड टच. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेंस ऑफ टेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Complete the following namaz Eskimos and igloo. Eskimos में इग्लो के मतलब घर बने रहते हैं, तो nomads में कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन बी टेंट. करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. रॉबर्ट लिव्स इन न्यूयॉर्क, ही इज, ये हम अभी हो चुका है एंड 9 भी देख चुके हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं पहले. विच प्रॉपर्टी टू एयर अलाउ
हॉट एयर बैलून्स टू फ्लोट। ए एयर ट्रैप द वर्थ ऑफ द सन। बी एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रीथिंग। सी एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड डी वार्म एयर राइजेस। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी वार्म एयर राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। फिल इन द ब्लैंक्स इज द हग बॉल ऑफ फायर इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। इसमें से कौन बहुत बड़ा आग का गोला है जिसे कहते हैं जो हमें हीट और लाइट देता है। सन मून अर्थ या मार्स। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सन। क्वेश्चन नंबर 7। Pointing a man in the photograph, Jack said, "He is the father of my mother's daughter." How is the man in the photograph related to Jack? Uncle, nephew, grandfather, father. Correct answer is option D, father. Question number 8. Look at the picture and given below. Name the types of room it is and identify its purpose. Living room to internet and guest. B bathroom to take bath. C kitchen to cook food and D bedroom to dry clothes. Correct answer हो जाता है यहाँ पर option A living room to entertain guest. Next question number 9 हो चुका है एंड 10 भी हम देख चुके हैं। 11 पे आ जाते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ए रेडिस, बी पोटैटो, सी जिंजर एंड डी डी गन्ना। एंड यहाँ पर ऑड वन आउट कौन सा है? ऑड वन आउट इज द रेडिस। गाजर इज द ऑड वन आउट क्योंकि ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द पर्सन ऑक्यूपेशन। इसके ऑक्यूपेशन को हम समझेंगे कौन से ऑक्यूपेशन से है। केमिस्ट, डॉक्टर, लॉयर या पोस्टमैन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉयर। क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following is not a good habit? Playing games on smartphones, keeping the environment clean, see yoga and swimming, and 4. Brushing teeth twice a day regularly. Only A, B, 2 and 3, C, 1, 2 and 4, D, 2, 3 and 4. Correct answer ho jata hai option A, only A. Playing games on the smartphone is the not a good habit. Next question number 14. Look at the pattern given below and identify X correctly. Grapevine, climbers, X, creeper. Sweet potato. जैसे grapevine एक climber से उसी प्रकार creepers किससे related होगा यहाँ पर हमें options में देखना है। A sweet potato, B बाउंडेनविला, सी मेंट, डी कॉटन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्वेट पोटैटो इज द क्रीपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इन करेक्ट पेयर फ्रॉम बिलो। डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, प्लम्बर रिपेयर टैप्स, कॉबलर मेंट सू, पोस्टमैन बेक टब। इन करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाता है पोस्टमैन बेक केक। पोस्टमैन केक को बेक नहीं करते हैं। सी डिपोजिट, सी सेंड लेटर्स एंड एनवेलप। सो इनकरेक्ट आंसर इज ओनली 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द करेक्ट रिगार्डिंग टू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट शोइंग इन द पिक्चर्स बिलो। It helps to sick persons. B. It helps to put on the fire. C. It used to carry passenger to a specified destination. And D. It helps to take kids to school.
करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट हैज टू कैरी अ सिक पर्सन, दिस इज अ एम्बुलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल जेम्स सेड, सी इज द डॉटर ऑफ माय ब्रदर, सी इज द डॉटर ऑफ माय ब्रदर, हाउ इज द गर्ल्स रिलेटेड टू जेम्स, नेफ्यू, नाइस, आंट या अंकल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नाइस। कम्युनिकेशन सिस्टम रिफर्स टू द चैनल बाय विच द एक्सचेंज ऑफ आइडिया, इंफॉर्मेशन, न्यूज एंड व्यूज टेक प्लेस बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन। आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच इज यूज टू सेंड इंफॉर्मेशन टू ओनली वन पर्सन एट ए टाइम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ए टेलीफोन, बी रेडियो, सी टेलीविजन, डी न्यूज़पेपर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। लुक एट द पिक्चर एंड टू एनिमल्स गिवन बिलो एंड स्पॉट द सिमिलरिटी बिटवीन देम। ए दीज आर एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्री, बी दीज एनिमल्स These are animals that lives in water. C. These are animals that lives at homes or in a shed. D. These are in animals that lives in a forest. Correct answer हो जाता है यहाँ पर option D. Correct answer option D. Next question number 20. Why should we wash our hands with soap before meals? A. Washing our hand will give a good smell to our hands. B. Washing our hands will kill the germs and keep us healthy. C. Washing our hands will make our food taste good. And D. Washing our hands before meals will make sure that we don't have to wash the hand after meals. Correct answer is option B, washing our hands will kill the germs and keep us healthy. Question number 21. Vitamins are called protective foods and help us to fight disease. Which of the following food item is a very good source of vitamin C? Orange, carrot, spinach and D, brinjal. Correct answer hai option A, orange. Orange is a good source of vitamin C. Next question number 22. Question number 22. Who among the following made the correct statement? David. Fruits develop into flowers. Harry. Plants always make their own food. A. David is correct but Honey is incorrect. B. David is incorrect but Harry is correct. C. Both David and Harry are correct. And D. Both David and Harry are incorrect. Correct answer option D, both David and Harry are incorrect. Fruits develop into flowers and plants always make their own foods. Correct answer is option C. Option C is the correct answer, both David and Harry are correct. Next question number 23. What is the common between two plants shown in pictures? 23. Both plants give us oil. B. Both are medicinal plants. C. Both plants give us fiber. And D. Both plants give us spices. Correct answer is option A. Both plants give us oil. This is a plants को हम देखते हैं, this is a sunflower and mustard
फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। जॉन इंट्रोड्यूस मैरी एज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय फादर्स वाइफ। हाउ इज मैरी रिलेटेड टू जॉन? ए आंट, बी नाइस, सी डॉटर, डी कजन्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। Identify the occupation of the following people who help us. A person who grow different crops like rice, wheat, etc. B the person who stitches cloth for us. A tailor and farmer. B one farmer, two tailor. C one teacher, two doctor. And D one postman and two nurse. Correct answer hai option B, one farmer. Person who gets different crops like rice, wheat is the farmer, and the person who stitches the cloth, this is the tailor. So correct answer ho gaya, one farmer and two tailor. Next question number 26, jo ki hamara achiever section yahan se start ho jata hai. Number 26, the given picture show in the claw of the box X. Identify the word X correctly from the given option. A. Crane, B. Crow, C. Eagle, D. Duck. Correct answer is option C, Eagle. Question number 27. Harry is the brother of Cat's sister. How is the Cat's sister related to Harry? A. Mother, B. Brother, C. Sister, D. Nice. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिस्टर। क्वेश्चन नंबर 28। टू स्टूडेंट गिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन अ क्लासरूम डिस्कशन अबाउट एन ऑर्गेन इन द ह्यूमन बॉडी नेम्ड जेड लियो। दीज आर टू बिन सेफ ऑरेंज मोनिका। इफ दे स्टॉप फंक्शनिंग देन टॉक्सिन इन आवर बॉडी will not be removed, identify the organ Z. A. Lungs, B. Brain, C. Gallbladder and D. Kidney. Correct answer hai option D, Kidney. Question number 29. Look at two animals so below and spot the similarity between them correctly. This is called leopard and shamgada. A. Both live in water. B. Both cannot see very well in dark. C. Both live in desert. And D. Both hibernate to protect themselves from cold weather condition. Correct answer hai option D. Next question number 30. What features should be present in animal to be called as an aerial animal? A. Hard shell to protect themselves. B. Thick skin to protect from heat. C. Hollow bones and boat safeguards. And D. Padded soles to walk easily. Correct answer is option C, hollow bones and boat safeguards. Next question number 31. Read the following clue about a type of house and answer the question that follow. Clue 1. It is the house of bells. Clue 2. It can be moved from one place to another place. Identify the types of house. A. Houseboat. B. Tent. C. Caravan. And D. Bungalow. Correct answer is option C, caravan. Question number 32. Read the following statement and choose the correct option. Statement 1. Some carnivores are the scavengers, but not all scavengers are carnivores. And B. Vulture is the carnivore and raven is the scavenger. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. B.
स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट सी बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड डी बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट क्वेश्चन नंबर 33 जेस्पर जैक एंड आशा वेयर हैविंग ए डिस्कशन अबाउट डिफरेंट गुड हैबिट्स दैट वी मस्ट फॉलो दिस इज व्हाट दे सेड जेस्पर वी शुड टेक जंक फूड फॉर डिनर एवरी डे Jack, we must sleep for at least 11 hours every day and Anna, we should exercise regularly. Who among them is the correct? Only Jack, Jasper, B, only Jack, C, only Anna or D, all Jasper, Jack and Anna. Correct answer ho jata hai option C, only Anna. We should exercise regularly. Who am I? This is the correct answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 स्पाइडर इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप एक्स एंड स्कॉर्पियन इज एग्जांपल ऑफ ग्रुप वाई What is the correct about the features of animals belong to group X and Y? A. All of them have three distinct body parts. B. All of them have six legs or four wings. C. All of them live together. And D. None of them is an insect. Correct answer ho jata hai option D. None of them is an insect. Question number 35. Kara, Tina and Tasmin were revising what they had studied in class. They told her mother the following. Tara, the earth is spin on the sex. Correct answer is option B. Tina and Tara only. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें थैंक यू